हेलो कॉस्मिक आर्मी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो पुल 3 कॉस्मिक। तो आज के एपिसोड में मैं कवर करने वाला हूँ एम्पायर 3 की स्टोरी को। और अगर आपने इसे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई कार्ड में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर से जाकर किसे सीक्वल वाइज आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। बजो रीत रिचर्ड ये बता रहा होता कि किस तरीके से कोटायर ने हमला कर दिया था पूरे पूरे अर्थ पर सभी सभी लाइफ एनिमल लाइफ फॉर्म्स को ख़त्म करने के लिए, और इनको रोकने के लिए क्री, स्कल और इसी तरह के बाकी अर्थ के सभी हीरोज भी सामने आए। मैंने फ्रैंकलिन और वलेरिया को तो देख लिया है, पर अभी मेरे पास उससे बड़े चैलेंज हैं कि किस तरीके से मैं भी इनकी हेल्प कर सकता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि सब अभी बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, लेकिन मुझे अवेंजर्स की मदद तो करनी ही होगी ये सब कुछ रोकने में। और रीड रिचर यहाँ पर टोनी स्टार की मदद के लिए आया हुआ होता है, और टोनी उसे थैंक्स कहता है यहाँ पर आने के लिए। तो टोनी रीड की मदद मांगता है कि किस तरीके से कोटायर का प्लांट्स पर कंट्रोल ख़त्म किया जाए। रीड आगे सोच रहा होता है, जब से ये सभी कोटायर के मून से एस्केप किए हैं, ये सभी के सभी अपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बिजी हैं। कैप्टन अमेरिका लीड कर रहे हैं अर्थ के हीरोज को इन सभी से लड़ने के लिए। थॉर एक अलग ही तरीके के पावर से उसकी खोज में है, जो कि वे गॉड ही एक्सेस कर सकता है। और टोनी ने अपने आप को यहाँ फंसा लिया है, पर टोनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है कि एक भी रिजल्ट न आने के कारण, और वो अपने आप को ही दोष दे रहा होता है। यहाँ से कोसों दूर वकांडा में टीम वकांडन आर्मी के साथ और सूरी के साथ ये बात कर रहा होता है कि अब क्या करना है, और उसके बाद वो लोग लड़ने लगते हैं कोटायर की आर्मी से। कोइल इन सब पर नज़र रखे हुए था, और वो स्वॉर्डमैन से पूछता है, क्या ये सब हमारे बेस्ट ट्रूप्स नहीं है? तब स्वॉर्डमैन उसे कहता है, नॉट येट कोइल, अभी हम उनके डिफेंसेस को चेक कर रहे हैं और वकांडा के वीक पॉइंट्स खोज रहे हैं, इसके बाद हम अपने बेस्ट भेजेंगे वहाँ पर। तब कोइल कहता है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन क्यों, हम हर जगह जीत रहे हैं स्वॉर्डमैन, डेथ के सामने, जिनोसा में, सैवेज लैंड में, अंटार्कटिका में, हर पूरे पूरी दुनिया में इनके, और तभी भी तुम सिर्फ और सिर्फ अवेंजर के एक लीडर के, उसका नाम टचाला ऑफ वकांडा, मेरे बच्चे ब्लैक पैंथर, मोस्ट डेंजरस मैन अलाइव, और अब उसे पता है कि हमें क्या चाहिए, तो इस कारण से उसे सबसे ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा हमें। और दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर भी इसी बारे में बात कर रहा होता है सूजन स्टॉर्म और हल्क से। द ग्रेट वाइब्रेनियम मॉन्ड, यही उनका अल्टीमेट गोल है, इससे वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तभी जेनिफर कहती है, इस क्या ही गलत तचाला, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कोटायर्स का, तो उन्हें मेटल की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब तचाला कहता है, ये मैटर नहीं है हल्क, ये खुद ही अर्थ है। तभी सुदम कहती है, ऑफकोर्स वाइब्रेनियम एक बहुत ही हाई क्वालिटी की सॉइल है। तचाला कहता है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया उस मिट्टी में तो कुछ भी गलत हो सकता है उसके साथ, उसका अगर मिसयूज हुआ तो वो शायद एक कोटायर बॉम्ब का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हमने मून पर देखा था, इसके इन्फ्लुएंस से कई सारे मर्डर्स हो सकते हैं, क्या पता पूरे पूरे वॉरियर्स के। अगर कोइल एक प्लांट वैसा ही एक सेम प्लांट हमारी इस ग्रेट मॉन पर प्लांट कर देता है, क्या पता पूरी गैलेक्सी ही तबाह हो जाए, और इससे वो एक ट्रू गॉड बन जाएगा, एक लविंग और गाइंड नहीं बल्कि कुछ और ही। हमें पर मुझे लगता है कि हमारे विजिटर इस बारे में कुछ कर सकता है। तभी वहाँ पर एक स्पेस व्हीकल लैंड करता है, और वहाँ से एक पायलट उतरता है और वो कहता है, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। और तभी ब्लैक पैंथर कहता है, तुम्हारे यहाँ आने के लिए थैंक यू, अब अवेंजर्स के दोस्तों का हमें पर्सनली स्वागत करना चाहिए, वेलकम टू वकांडा मेंटिस। और मेंटिस कहती है, थैंक यू टचाला, और मैं यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए आई हूँ। तभी सूजन भड़कते हुए कहती है, उसे बचाने के लिए यहाँ आई हो, तुम्हें सच में लगता है उसने हजारों की जान ली है, शायद मिलियंस की अगर उसके हिसाब से बात की जाए तो? तब मेंटिस कहती है, उसने इस चीज में ज़्यादा कुछ नहीं किया है, दरअसल ये उसका अकेले का डिसीजन नहीं था, ये सब उसके फादर के कारण हुआ है, ऐसा लगता है कि उसने उसके कान भरे थे, उसे पॉइजन किया था ह्यूमंस के अगेन, एनिमल्स के अगेन, और इस कारण से मैं यहाँ आई हूँ अपने बेटे को बचाने के लिए, मैं बिलीव करती हूँ कि वो ठीक हो सकता है, मैं उसे चांस देना चाहती हूँ। मेंटिस आगे कहती है, तुम भी एक माँ हो सूजन रिचर्ड, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने बच्चे को इस हालत में अकेले छोड़ दोगी? तब सूजन कहती है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी उन्हें। तब जेनिफर कहती है,
तो इस मिशन में मुझे भी जोड़ लिया जाए जरा। तब टचाला कहता है, ये हमारी गलत फहमी होगी अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पूरी डेंजर को शब्दों से निपटाने की कोशिश करें तो। मुझे गलत मत समझना तुम, पर शायद मैं एक बेटर ऑप्शन खोज सकता हूँ। दूसरी तरफ क्री स्कल एलेंसिस कमांड शिप में क्लार्क कह रहा होता है, अगर ये प्लान वर्क किया तो कोटैन्स का गार्डन जो कि ब्लू एरिया ऑफ द मून में है, वहाँ पर उनके सभी के सभी वेपन्स और सोल्जर 1 घंटे में ही तबाह हो जाएंगे। ये प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कैरल, बस तुम्हें इस पूरी की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है और वहाँ पर जाकर के एक्सप्लोर करना है। तभी मर्गिन द मिस्टिक कहती है, मैं भी क्री स्कल हाइब्रिड हूँ बिल्कुल किंग टेरी की तरह, और स्टार शॉट खुद भी, तो मैं अपने मैजिक के जरिए इसे बूस्ट कर सकती हूँ, इसे और भी ज़्यादा एनर्जी दे सकती हूँ एक टाइम तक, पर कैप्टन मार्वल को इसके एक हायर डोज को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। पर तभी रीड रिचर्ड कहता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या पिछली बार ये स्वॉर्ड कैरल को मारने वाला नहीं था, और अभी हम बात कर रहे हैं इसकी एक वॉल्यूम अप की, ये पूरी तरह से सुसाइड मिशन है कैरल। तभी कैरल कहती है, ये पहली बार नहीं है जब मैं इतना रिस्क ले रही हूँ, ये हर वक्त की बात हो जाती है और मैं इसे करने वाली हूँ। तभी जॉनी कहता है, तुमने कैप्टन को सुना हल्कलिंग, वो तैयार है मरने के लिए तुम्हारी शॉट के ब्लो से, अब अपने इस शाइनी न्यू एलेंसिस को कहो जो तुम्हें कहना है, या फिर तुम बस एक यहाँ पर फिगर हेड की तरह हो। तभी हल्कलिंग के पास एक कॉल आता है जिसमें वो कह रहा होता है, एम्परर दो रैकेट। तभी हल्कलिंग कहता है, स्टेडी यू आर ऑन स्पीकर फोन, मैं टचाला हूँ वकांडा से टेडी, और मैंने कॉल किया है एक किंग के तौर पर तुमसे बात करने के लिए, मेरे पास एक प्लान है जिसमें स्टार शॉट की ज़रूरत है। तभी हल्कलिंग कहता है, सो तुम्हें भी? टचाला कहता है, मुझे यकीन है कि तुम इसे विल करते हो और आई बिलीव मैं भी कर सकता हूँ। तभी हल्कलिंग कहता है, टेल मी टचाला, क्या तुम्हारे इस बड़े प्लान में एक अवेंजर की मौत होनी तय है? तो टचाला कहता है, नहीं। तो हल्कलिंग कहता है, ओके मजे करो, और हल्कलिंग उस स्टार शॉट को टचाला के पास टेलीपोर्ट कर देता है। तभी कैरल कहती है, तुमने क्या किया हल्कलिंग? तभी जॉनी कहता है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चीज़ की इसने। तब हल्कलिंग कहता है, इस स्टार शॉट का मैजिक है कैरल, इसे मैं जब बुलाता हूँ ये मेरे पास आती है, इसे मैं जहाँ भेजना चाहता हूँ ये वहाँ जाती है, और मेरे हिसाब से टचाला इसे हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है। तभी कैप्टन ग्लोरी कहता है, तुम क्या पागल हो चुके हो, ये एक वॉर है, इसमें सोल्जर्स मारे जाते हैं और इसमें मरना बहुत ही आम बात है, ये गार्डन अभी भी एक्टिव है और इस कारण से मैं एक्यूसर की सेक्रीफाइस को रेस्पेक्ट करता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तभी क्लार्क कहता है, मुझे ही लगता है कि ये इनकी वीकनेस है कैप्टन मार्वल के इस सिग्निफिकेशन ब्लो के कारण। सारी हल्कलिंग कहते हैं, वो यहीं पर ख़त्म हो जाए इसी रूम में बिना टाइम वेस्ट किए, और मैं अपने इस फाइट में बेस्ट वेपन को बर्बाद नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल शांत होकर के प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ इस बात को, क्लार्क क्या मैं तुम्हारे टेस्ट में पास हो गया अब? पर तभी टोरेंट कहती है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि रियल टेस्ट अब आने वाला है, सुपर स्कल उन्हें बताओ कैरल सिस्टम के साथ क्या हुआ था, उन्हें प्यार के बारे में बताओ। तभी सुपर स्कल कहता है, टंटलेंथ ऑफ क्री, ये बात तुम्हें कैसे पता है, ये तो बिल्कुल रजिस्टेड डाटा है। तभी हल्कलिंग कहता है, नॉट फॉर मी क्लार्क, ये ज़्यादा देर तक अब तुम इसे छुपा नहीं सकते, अब बताओ द प्लार्ज दैट ऑफ वर्ल्ड, इसे कहते हो तुम बार बार, ये क्या है आखिर? तब सुपर स्कल कहता है, ये उससे कहीं ज़्यादा है, ये एक सन की मौत है, द पियर एक एनर्जी बिल्डअप करता है उस स्टार के कोर में और उसे क्रिटिकल पॉइंट में लेकर के उस स्टार को ब्लास्ट कर देता है। इवन हमें भी इस बात पर भरोसा था कि हम इस तरह के वेपन का एस्ट्रल न्यूक्लियर वॉर में भी यूज़ नहीं करेंगे, पर जब कोटैट आए और क्लियर सिस्टम को पूरी तरीके से इन्फेक्ट करने लगे तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, और इस कारण से हमने उसे बर्बाद कर दिया 1 घंटे के अंदर, द क्लार सिस्टम अब मर चुका है, और इस तरीके से मैंने उन्हें एक ही बार में ख़त्म कर दिया, उन कोटैट्स को एक ही ब्लो में। तभी हल्कलिंग कहता है, पर तुमने कोटैट्स को ही नहीं बल्कि और कईयों को मार दिया, और वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ तक आ भी चुके हैं, इसका कोई मतलब भी नहीं बना। तभी कैप्टन मार्वल कहती है, क्लार्क तुमने बिलियंस ऑफ सिविलियंस को मारा है। तभी सुपर स्कल कहता है, ट्रिलियंस को बचाने के लिए मैंने उन्हें मारा था कैप्टन मार्वल, और वैसे भी
स्कल और क्री के कल्चर में वहाँ पर कभी भी सिविलियंस नहीं होते, बस वॉरियर्स होते हैं एक दूसरे से बैटल करने के लिए, और उन्होंने एम्पायर को सर्व किया है, वो मरे तो भी शान से। तभी हल्कलिंग कहते हैं, जिस तरीके से मेरी माँ तुम्हारे हाथों में मरी है ना क्लॉथ, तुम बिल्कुल भी सही नहीं करते, कभी भी नहीं करे हो। तभी तन्हाटा कहती है, अब किंग अब ये आपके हाथ में है माई लीज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब आप क्या चूज करोगे, एक डूम प्लैनेट के की रक्षा करोगे या फिर एक गैलेक्सी को जो कि सिविलियन से भरी हुई है उसे तबाह कर दोगे, क्या तुम्हारे अंदर सच में वो स्ट्रेंथ है जो तुम्हें करने के लिए चाहिए। तन्हाटा वहाँ से जाने लगती है और कैप्टन ग्लोरी उसके पास आकर के उसे एक सेकंड के रुकने को कहता है, और तन्हाटा उसे कहती है, प्रोफेसर तन्हाटा तुम मेरे रैंक जानते हो कैप्टन, और ये हमेशा याद रखना तुम किससे बात कर रहे हो। तभी कैप्टन ग्लोरी कहता है, हुज दैट, तुमने रोनन को एक हीरो कहा इम्पीरियल्स का, पर वो यूटोपियन फैक्ट्रीज हमारे एनिमीज से लड़ते हुए मारा गया, सो मैंने तुम्हें देखना स्टार्ट किया, तुम्हारे जीन्स को स्कैन किया और तुम एक प्योर क्री हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मैं एक स्कल को पहचान सकता हूँ, मैं जब भी उन्हें देखता हूँ उनके शेप कैसी भी हो कितने भी टाइम तक हो मैं उन्हें पहचान ही लेता हूँ। सो वैसे में तुमने तो मेरी काफ़ी मदद कर दी क्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर से कैप्टन, उन्हें फिर से सभी को डराने के लिए, ऐसा लगता है कि तुम और किसी को ये बात के बारे में बताने वाले नहीं हो। तभी कैप्टन कहता है, हाँ मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आखिर कि कैसे एक स्कल स्पाई इतने समय तक छुपा रहा। और तभी तन्हाटा अपने सेफ को शिफ्ट कर रही होती है और वो कह रही होती है, तुम जब तक सही से देखोगे नहीं इस बड़े पिक्चर को गैलरी, जैसे कि वो पागल फूल और बिल्कुल भी शक नहीं करने वाला क्लार्क हमेशा से मुझे ये बताता रहा है कि दो द एम्पायर्स को एक ही ब्लड लाइन रूल करेगी, और वो भी मेरी ब्लड लाइन, मैं एक स्कल से कहीं ज़्यादा हूँ, मैं आर केल्स हूँ, एम्प्रेस ऑफ स्कल्स, सर्वाइवर ऑफ गैलेक्टस, मदर ऑफ एनीला, द होली मेंटियर, ग्रैंड मदर ऑफ डोरेकेट, द किंग ऑफ ऑल स्पेस, और जल्दी ही मेरा ग्रैंडसन इस गैलेक्सी का भी रूलर बनेगा। तभी कैप्टन ग्लोरी कहता है, ये तो काफ़ी वर्दी गोल है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स लगेंगे, पर मुझे डर है कि आपके ग्रैंडसन ने कुछ ज़्यादा ही समय ह्यूमन के साथ बिताया है। तभी वो कहती है, हाँ उस बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा हीरोइज्म का शौक हो चुका है, पर हम इसके लिए कुछ ना कुछ कर ही देंगे, है ना। सो हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि एम्पायर फूल जल्द ही आने वाला है, और हाँ मैं उसे भी बहुत ही जल्दी कवर कर दूंगा, और इसके बाकी के साइड स्टोरीज को भी मैं अभी भी कवर कर रहा हूँ, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर के देख लेना। कैप्टन अमेरिका 1 और एक्समैन 1 भी जल्द ही आने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना और मेरे कॉस्मिक आर्मी का पार्ट बन जाना, because you are a cosmic superhero.